नमस्कार। दुनिया के सबसे टुच्चे चिंदे सस्ते वाई और तगटिया शो में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है और तहे दिल से इस्तकबाल है। आज के हमारे मेहमान को आप लोग भली भांति जानते होंगे, बखूबी जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि इससे पहले भी ये अभी हाल ही में हमारे शो में आ चुके हैं। जी हाँ, मशहूर बुरके मनहूस तुम इस समय किसी अरे गहरे नत्थू टाइप के खैरे से बात नहीं कर रहे हो, तुम एक प्रधान से बात कर रहे हो। तमीज से बात करो, इज्जत से बात करो, जानते हो प्रधान की हैसियत क्या होती है? मशहूरपुर के मशहूर प्रधान पद प्रत्याशी, जी हाँ, बालम कुमार जी। तो आइए आगे की बकवास हम उन्हीं के अनपढ़ और गवार मुंह से बात करते हैं। नहीं, आपने ही पोस्टर में लिखा है कि आप अनपढ़ हैं। तो मैं प्रधान से बात कर रहा हूँ, तमीज से बात करो। तुम जानते हो प्रधान की एक हैसियत क्या होती है? बहुत बड़ी होती है। ठीक है, माफ कीजिएगा। तो आइए बात करते हैं बालम कुमार जी से, जो 27 वोटर्स चुनाव जीत गए हैं। नमस्कार। आप प्रधान बने हैं, आशाराम ने चुनाव खत्म हो गया, अब मैं गुस्से में आ सकता हूँ। अगर मैं गुस्से में आ जाऊंगा तो मैं दौड़ा दौड़ा के भी मारता भी नहीं। वैसे लोग दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, तो आप दौड़ा दौड़ा के मारेंगे क्यों नहीं? क्योंकि मैं उसे दौड़ा दौड़ा के ही थका देता हूँ। लेकिन जब आप उसे दौड़ाते होंगे तो थक तो आप भी जाते होंगे। मैं नहीं दौड़ाता, मेरा डॉग कुत्ता दौड़ाता है। डॉग कुत्ता, माफ कीजिएगा अगर मेरी किसी भी बात से आपकी भावना आहत हुई हो। वैसे कभी कभी मैं भावना आहत करने के लिए बोल भी देता हूँ। छोड़िए, बहुत बेकार की बातें हो चुकी हैं, आइए कुछ काम की बकवास करते हैं। जी, अब आप जीत गए, क्या करेंगे? माल कमाएंगे। माल? नाम कमाएंगे। कोई बात नहीं, कभी कभी सच्चाई ज़बान पे आ जाती है। पिछली बार आप 27 वोट से चुनाव हार गए थे और इस बार 27 वोट से ही आप चुनाव जीत गए। वाह, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। आपके कहने का मतलब सौभाग्य। देखिए, मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, आप एक ग्राम प्रधान से बात कर रहे हैं और तमीज से बात करिए। ग्राम प्रधान की कोई औकात होती है क्या? ग्राम प्रधान गाँव का प्रधानमंत्री होता है। सिर्फ मंत्री लगा दीजिए, प्रधानमंत्री हो जाएगा। खैर, सोच का फर्क होता है। आपके कहने का मतलब? मेरे कहने का मतलब था कि कई लोग प्रधान बनने के बाद खुद को प्रधानमंत्री ही समझते हैं। समझना ही चाहिए। खैर, हम बात कर रहे थे उन 27 वोटों की। जी हाँ, ऐसे ही कुछ बात कर रहे थे। पिछली बार आप 27 वोट से हारे थे, इस बार 27 वोट से जीत गए चुनाव। इसका क्या राज है, क्या कारण है, क्या चक्कर? ये जो 27 लोग थे ना, यही गड़बड़ करते थे और यही मेरे करीबी भी थे, तो मैंने इन्हें चुनाव तक हमेशा करीबी रखा, कहीं जाने ही नहीं दिया। तो आप अपनी जीत का श्रेय दारू, मुर्गा और पैसे को देते हैं? 50% मुर्गा, दारू, पैसे को, 50% खुद को और अपने दिमाग को। आपको बेवड़ों और शराबियों का बहुत बड़ा योगदान रहा, तो अब उन्हें आगे भी पिलाते रहेंगे? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिन्होंने दारू और पैसे से वोट दिया है वो 5 साल बाद मिले, फिर उन्हें मिलेगा दारू और पैसा। अभी मधुशाला खुलवा दे रहा हूँ, उसमें जाके पैसे दे कर पिए, खुद का भी फायदा हो, सरकार को भी फायदा हो और हमें भी फायदा हो। अच्छा, आप शराब की दुकान खुलवाने में बहुत जोर दे रहे हैं, तो इसका कोई खास कारण? मैं और कोई वायदे पूरे करूं या ना करूं, लेकिन ये वायदे जरूर पूरा करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है जिसको पीना है वो पिएगा, इस गाँव में नहीं पिएगा दूसरे गाँव में जाके पिएगा। और मैं अक्सर देखता हूँ कि दूसरे गाँव में जाके पी के आते हैं, रास्ते नालियों में गिरते हैं, पड़ते हैं, अब लोग दूसरे गाँव के पीट देते हैं कभी कभी नशे में रहते हैं, तो ये बेइज्जती मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी कि मेरे ग्राम सभा के आदमी कोई दूसरा पीटे। अगर पिटना है तो हमारे गांव पिटे, अपनी इज्जत अपने हाथ में रहे। तो मैंने ये चाहा है कि मधुशाला गांव में खुलेगी, और हो सकेगा तो जितने ज्यादा से ज्यादा ग्राम सभा में गांव होंगे उसमें हम मधुशाला खुलवाने की कोशिश करेंगे। बड़े तुच्छ विचार है आप, मतलब
बड़े ही उच्च विचार हैं आपके। जी बिल्कुल। अभी देखिए कोरोना काल में सबसे ज्यादा आर्थिक व्यवस्था अगर किसी ने संभाला है तो वो शराब ने संभाला है, बहुत तेजी से संभाला है, अचानक उठ गई थी अर्थव्यवस्था। और आप एक चीज हमेशा मान लीजिए, कोरोना काल में सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, चाय वाले को, पकौड़े वाले को, मिठाई वाले को, सबको कोरोना हो सकता है, लेकिन कभी आपने सुना किसी शराब की दुकान या मसाले वाले को कोरोना हुआ या कोरोना काल में वो दुकान बंद हुई? नहीं। तो ये गांव की अर्थव्यवस्था, जी देखिए, गांव की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए मधुशाला बहुत काम करेगी, और गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो धीरे धीरे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, क्योंकि गांव का देश है। और आपने ऐसा क्या किया कि आप जैसा अनपढ़, काहिल, कर्मठ, विश्वसनीय आदमी चुनाव जीत गया? देखिए आप मुझे बुलाकर यहाँ बेइज्जती कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, मैं ये हाँ इस समय। वैसे सच्चाई तो यही है, लेकिन ठीक है, आपको बात बुरी लग रही है तो हम इस तरह से पूछ लेते हैं कि आपके खिलाफ बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट खड़े थे, लेकिन आप चुनाव जीते, इसका क्या कारण है? देखिए मैं सारी बातें तो नहीं बता सकता, अपने जीतने के सारे राज तो नहीं बता सकता, क्योंकि आगे भी मुझे जीतना है, लेकिन मैं आपको एक लाइन में एक चीज बता देना चाहता हूँ। इस करप्ट सिस्टम और भ्रष्ट लोगों के बीच मेरे जैसा अगर आदमी चुनाव नहीं जीता तो फिर उसका बेकार है। तो पिछली बार क्यों नहीं जीते? क्योंकि जो पिछली बार बना था वो मेरे से भी बड़ा गुंडा था। मतलब मेरे से भी बड़ा जुआरी था। लेकिन आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? करप्ट सिस्टम, इसी सिस्टम में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, और बहुत अच्छे अच्छे लोग भी चुनाव जीत कर आए हैं। आए होंगे, जीते होंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, जिस तरह से मैंने चुनाव जीता है, मुझे मालूम है कि चुनाव जीतना इतना आसान काम नहीं है, बड़ा तिकड़म और दिमाग का गेम होता है। तो आप मानते हैं कि आपने चुनाव धांधली करके जीता है? देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बदतमीजी नहीं, बकचोदी नहीं, क्योंकि मैं चुनाव जीत चुका हूँ, अब मैं सच्चा, अच्छा और कर्मठ और ईमानदार इंसान नहीं रहेगा। तो आप सोच समझ के बात कीजिए, तमीज से बात कीजिए। तो क्या करेंगे, मारेंगे? मारेंगे, मारने लगेंगे। अगर कोई भी बदतमीजी का सवाल पूछा तो मैंने क्या बदतमीजी की? तो मैंने क्या धांधली की? मैंने किसी को बंदूक की नोक पर वोट मांगा, डराया, धमकाया वोट मांगने के लिए, या मैंने वोटों की गिनती में गड़बड़ी की? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। तो धांधली का मतलब क्या होता है? तो आप मानते हैं कि आपने चुनाव जीतने के लिए कोई भी गलत काम नहीं किया? देखिए एंकर साहब, मेरे वोटरों, प्रशासन को गलत नहीं लगा तो मैं क्यों बोलूं कि मैं गलत हूं? मुझे चुनाव जीतने में जो अच्छा लगा वो मैंने किया। ऐसे तो सभी चुनाव जीतने के लिए आप ही का तरीका अपना ले। तो आपको क्या लगता है पोस्टर पे ऐसे चेहरा बना लेने से शिक्षित, कर्मठ, जुझारू, ईमानदार और विश्वसनीय प्रत्याशी लिख के चुनाव जीता जाता है? देखिए ज्यादातर लोगों को चुनाव जीतने के लिए जो तिकड़म या जो अच्छा लगा उन्होंने वो किया। हाँ कुछ जीते होंगे, ईमानदार होंगे, अब ऐसे तो पूरे हरामी और बेईमान ही जीतने लगे तो धरती पलट जाए, बैलेंस बना रहना चाहिए। आप अब जीत गए तो क्या करेंगे, गांव का विकास करेंगे या पैसे हजम कर जाएंगे? दोनों करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए मैं कितना भी गुंडा, बेईमान या अशिक्षित या कुछ भी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे अंदर ईमानदारी है, तो मैं उसी ईमानदारी को पकड़ के कुछ कराऊंगा, मतलब गांव का विकास करूंगा। तो क्या करेंगे? देखिए गांव को विकसित बनाऊंगा। अब गांव स्मार्ट बने या ना बने, लेकिन गांव को मैं जितना हो सकेगा, जितनी कोशिश हो सकेगी, उस हिसाब से विकसित बनाऊंगा। स्मार्ट गांव क्यों नहीं? क्योंकि स्मार्ट गांव बनाने के लिए स्मार्ट लोगों का होना बहुत जरूरी होता है। मतलब? क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे गांव में स्मार्ट से ज्यादा चूती है। तो उन्हें स्मार्ट गांव बना के देने का कोई मतलब नहीं। बिजली का तार चोरी करके लेके चले जाते हैं, बिजली चोरी करते हैं, सोलर बल्ब खोल के अपने घर में लगा लेते हैं, सरकारी सड़क तक अपने घरों की बाउंड्री बनाते हैं, घरों का गंदा पानी रोड पे फेंकते हैं, शौचालय घर में बना है लेकिन रोड के किनारे जाकर हागेंगे, बोलेंगे बाहर हागने का कुछ आनंद अलग ही होता है, प्राप्त होता है। और आप बोल रहे हैं ऐसे लोगों को मैं स्मार्ट गांव बना के दे दूँ? क्योंकि हमें मालूम है कि हमें स्मार्ट बनने में बहुत समय लगेगा। कितना भी अच्छा स्मार्ट गांव बना के दे दूँ, मान लो पार्क बना दिया तो उसमें ताश बैठ के खेलेंगे, सरकारी स्कूलों में गाय बछड़े हकते फिरेंगे, सरकारी हैंडपंप को अपने कब्जे में ले लेंगे, बनी बनाई रोड पे बाप के पैसों के पेट्रोल से और दहेज में पाई गाड़ियों को दौड़ाते रहेंगे जब तक सड़क खोद नहीं डालेंगे, या फिर बोलेंगे प्रधान ने कुछ किया ही नहीं, कौन साहब ने, सारा आरोप प्रधान पे। मतलब आप विकास नहीं करेंगे?
मैंने कब कहा है कि विकास नहीं करूंगा? मैं विकास करूंगा, जितनी मात्रा में होगा भारी मात्रा में मैं विकास करूंगा। कैसे करेंगे? आप तो कह रहे हैं 50% आप खा जाएंगे। आप 50% खाएंगे ये वाला पकड़ लिए, लेकिन 50% लगाएंगे ये नहीं पकड़ा आपने। यहाँ तो लोग 100% पूरा सफा चट कर जाते हैं। अब देखिए, गौशाला बना लेकिन कहाँ? पेपर पर। शमशान बना कहाँ? पेपर पर। 100 शौचालय बनने थे, बने 25 घर में, और पैसे सारे निकाल के खा लिए। पंचायत घर बनना था, पंचायत घर बना नहीं, उसके पैसे निकाल के खा लिए। बोलते हैं पंचायत घर की क्या ज़रूरत है, पूरा गांव पड़ा है, कहीं भी बैठ के पंचायत कर लेंगे। पंचायत ही तो करनी है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं विकास करूँगा, जितना खाऊंगा उतना लगाऊंगा। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैं कितना भी बेईमान, असभ्य, अकर्मठ, आलसी, कारी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर ईमानदारी थोड़ी बहुत है। तो मैं उसी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि अगर मैं 50% खाऊंगा तो 50% लगाऊंगा। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं? जो भी करना था आपके मतदाताओं ने कर दिया, अभी लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे दुनिया के इसी टुच्चे चिंदे सस्ते वाहिया द घटिया शो में। नमस्कार। अच्छा, पहले तो आप ऐसे करते थे, पिछली बार ऐसा मुस्कुराते रहते थे, इस बार आप ऐसे कर रहे हैं, इसका क्या राज है? क्या है कि जब चुनाव लड़ रहा था तो मैंने बहुत लोगों से हाथ जोड़े, तो मेरा ऐसे हो गया था जो आपके पहले इंटरव्यू में हुआ था, ऐसी आदत पड़ गई थी। अभी क्या है, लोग मेरे सामने हाथ जोड़ने लगे तो ऐसे करने की आदत डाल रहा हूँ। नमस्कार।